हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस का यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम, किसको कौन सा रत्न मिला, उनका नाम क्या है और कौन से लेखक काफी प्रमुख है और उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको अभी सब्सक्राइब ना करें। जी हाँ, अभी सब्सक्राइब ना करें। वीडियो के एंड में आप देखना, फिर डिसाइड करना, प्लेलिस्ट में आप जाना, आप देखना परखना अच्छे से चैनल को। अगर लगता है कि आपके लिए ये चैनल यूजफुल है, आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अगर यूजफुल आपको लगता है तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आपके जो भी फ्रेंड कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना। आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से। पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो उठा लीजिए ये बुक अपने पास में रख लीजिए, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करना है आपको। हम ये कारवा लेके चले थे, अब ये वीडियो का एंड है, विविध विविध का, लेकिन ये अंतिम भाग है। तो देखते हैं हम लोग इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार की स्थापना जो करी थी वो कौन थे, उन व्यक्ति का नाम बताइए। उनके एक वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। नोबेल इनका सरनेम था, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1901 से। आपसे एग्जाम में नोबेल पुरस्कार की स्थापना का वर्ष पूछता है और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये एक वैज्ञानिक थे, तो ये खोज करते होंगे, कॉमन सी बात है, तो ये वैज्ञानिक थे और इसकी स्थापना स्वीडन के ये वैज्ञानिक थे। आपको ये भी नाम याद रखना है कहाँ के थे, ये थे स्वीडन के। वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड नोबेल और स्थापना हुई थी 1901 में नोबेल पुरस्कार के, ठीक है। और जन्म कब हुआ था, जन्म ये आपसे नहीं पूछेगा, मैक्सिमम एग्जाम में केवल यही चीज पूछेगा, ठीक है। बस उसके बाद हम बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। ये पुरस्कार जो दिया जाता है ना, कब देते हैं, नोबेल पुरस्कार कौन सी तिथि को दिया जाता है, तो ये दिया, मतलब देते तो आगे पीछे हैं लेकिन 10 दिसंबर को ये नाम घोषित कर दिया जाता है। वैसे एग्जैक्ट जो है अब 10 दिसंबर को एक बड़े से हॉल में पुरस्कार वितरित किया जाता है, 10 दिसंबर। और किस किस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। भारतीय मूल के बारे में बात करते हैं, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1910 में एक अंग्रेजी कवि डब्ल्यू बी यीट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह थी गीतांजलि, गीतांजलि को ये इनको नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि, ठीक है। 1910 में तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी लेकिन 3 वर्ष बाद इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में, ठीक है। क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर 1910 में जो पुस्तक लिखी थी गीतांजलि उसको लेकर के 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया। फिर बात करते हैं कि सीवी रमन, सीवी रमन को मिला था 1930 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मदर टेरेसा के बारे में तो ये हम स्किप नहीं कर सकते हैं, 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए, शांति के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति थे, इन सबको ये पुरस्कार मिला था। बाकी और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, ये जरूर है कि अब तक केवल 2 बार ही मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल को और सेकेंड जो मिला था 1931 में, और दूसरी बार मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। सबसे कम उम्र में मिला था लॉरेंस ब्रैग को, सबसे अधिक उम्र में मिला था लियोनिद हरक्विज को। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, एक्चुअली ये युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में चला था, लेकिन उस समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं बांटे गए थे। ये जो क्वेश्चन है आपका स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना आपका जीएस पेपर 1 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार का वितरण कौन कौन से वर्ष नहीं किया गया था। तो ये था आपका 1940 से 1942 के बीच में। अब हम बात करते हैं ऑस्कर।
इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी और नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और ये कौन सी एकेडमी है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। तो ये आपसे पूछ लेता है पूरा नाम। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार देती है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो फिलीपींस की सरकार देती है। और पुरस्कार को स्वर्ण पदक तो मिलता ही मिलता है, साथ में मिलता है $50,000। कितना? $50,000। अब ये जो है आपका मान बुकर प्राइज। तो 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबल पुरस्कार पुरस्कार के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है पुरस्कार? ये आता है मान बुकर पुरस्कार। तो कुछ फेमस जो लेखक है उनकी कृति और किस वर्ष इनको ये बुकर प्राइज मिला। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था 1997 में मान बुकर प्राइज। उसके बाद में आपका है अरविंद अदिगा, व्हाइट टाइगर, और फिर आपका किरण देसाई। तो ये तीनों ही आपने याद करने हैं, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार जो मिलता है वो मिलता है संगीत के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में यह मिलता है पुलित्जर पुरस्कार, और यह यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय से संबंधित है। शुरुआत हुई थी 1917 में, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। देखिए यह क्या होता है, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो यह है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1954 में, ठीक है, 1954 में, और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए कि मरने के बाद, मरण उपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनकी डेथ होने के बाद में इनको ये पुरस्कार मिला था, भारत रत्न। अब आप देखिए यहाँ पर पुरस्कार का संबंध कौन से क्षेत्र से, हमको पता होना चाहिए थोड़ा कुछ कुछ चीजें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं नोबेल पुरस्कार इसके काफी सारे क्षेत्र है, जैसे साहित्य, चिकित्सा, भूति, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र से। और पुलित्जर अभी हमने देखा था पत्रकारिता के क्षेत्र से है, ये हमको अभी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सभी आपको एक बार बस केवल देख लेने हैं, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र से, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से, कलिंग हमको लगता है युद्ध के क्षेत्र से, लेकिन कलिंग जो है वो है विज्ञान के क्षेत्र से। मान बुकर साहित्य के क्षेत्र से, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जनसेवा मतलब संचार, अंतर्राष्ट्रीय इन सब चीजों में, भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती दोनों सेम ही है। और उसके बाद में हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, और वाचस्पति पुरस्कार संस्कृति साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। बाकी ये संकर वंकर आप चाहें तो ये छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। 11 से लेकर के आप चाहें तो यहाँ पर कबीर तक स्किप कर दीजिए। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में, द्रोणाचार्य खेल में, अर्जुन खेल में, राजीव गांधी ये भी खेल में, और भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, और बोरलोक पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। तो 11 से 15 आपको नोट नहीं करना है, इस पे आप क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपको नहीं देखना है बस केवल, और बाकी ये सब देखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सबसे पहले व्यक्ति जो भारत रत्न से सम्मानित थे। और फिर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित करा गया? तो ये सम्मानित करा गया 1962 में। और लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद में ये भारत रत्न मिला था, अभी जैसे मैं डिस्कस करा था, लेकिन कब मिला था वहां पे ये वर्ष नहीं था, ये था 1966 में।
इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था 1971 में, मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, और अभी हाल फिलहाल मिला है सचिन को। सचिन को कब मिला है? सचिन को मिला है 2014 में। देखिए नीचे नोट पढ़ लीजिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ साहित्यकारों के नाम। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, उनकी पुस्तक थी चिदंबरा, ठीक है, चिदंबरा के लिए मिला था। उसके बाद में ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 2011 में प्रतिभा राय को मिला था, प्रतिभा राय को मिला था उड़ीसा की, उड़िया की साहित्य ने लिखा था, उसका नाम था पाकदू राल्लू। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सत्यजीत रे को मिला था 1984 में, मन्ना डे को मिला था 2007 में, 1998 में मिला था बी आर चोपड़ा को, 2000 में मिला था आशा भोसले को, 2012 में प्राण को, ठीक है। बस ये आप हाईलाइट कर लेना इसको, और इस वीडियो को एक बार और वॉच करना, ऑटोमेटिक आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, पंचतंत्र के लेखक हैं कौन? विष्णु शर्मा। और मच्छ कट्टी कम के लेखक हैं सुद्रक। कादंबरी के लेखक हैं बाण भट्ट। हिमायू नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। भगवद गीता और महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। रजत रंगिणी कलहण ने। कुमार संभवम लिखी है कालिदास ने। और किताबुल हिंद लिखी है अल बरूनी ने। आगे हम बात करते हैं, देखिए कुछ लेखक और अगेन वही पुस्तक के नाम। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन एंड दिल्ली, ये पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद ने लिखी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है प्रेमचंद ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, तो आपको ये चारों याद करने हैं, इसमें से अलग नाम दे देगा आपको, वो आपको चूज करके आना होगा अपने एग्जाम में। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने, ये एक्चुअली प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक है। दांते ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक। एडॉल्फ हिटलर ने लिखी है मीन कैफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है, याद रखना मीन कैफ। अरस्तु पॉलिटिक्स, मैकियावेली, द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार। चार्ल्स डार्विन ने लिखी है डिसेंट ऑफ मैन। एंड विंसेंट चर्चिल ने लिखी है गैदरिंग स्टॉर्म्स, हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। एंड लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है वार ऑफ पीस। देखिए इन सब में से केवल आपको इतना ही याद करना है, ठीक है, बस ये हमारा विविध का हुआ अंतिम भाग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे खेलकूद के बारे में, और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें, शेयर कर दीजिए। फेसबुक ग्रुप को आप मतलब हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फेसबुक ग्रुप ढंग से काम ना करे ना तो ज़्यादा ट्राई मत करना उस पर, क्योंकि मैंने ढंग से उसको एक्टिव शायद नहीं कराया अभी तो, ठीक है। कंट्रीब्यूट के लिए आपके सामने पेटीएम नंबर भी है, अगर आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशंस और बच्चों के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। आपका कंट्रीब्यूशन इस चैनल पे ही यूज़ होगा सारा A to Z, इसकी शॉर्टी मैं आपको दे देता हूँ पक्का। और इसी के साथ देता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।